हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई कुछ क्रशरों पर, कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ जमीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं। कई जमीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में, देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16-17 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है, और प्रदेश के लोग खुद स्तब्ध हैं कि इस प्रकार से कैसे इतनी खुली छूट जो है वो भ्रष्टाचार को दे दी गई है, जहां पर जो है वो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं, जहां पर जो है वो अपने हितेशियों को जो है वो लाभ देने के लिए हर प्रकार के नियम बदले जा रहे हैं। तथ्य सामने आने पर पूरी तरह से बौखलाहट जो है वो पूरे सचिवालय के अंदर है, और ये जब जनता के सामने अब रखे जाएंगे तो जनता को सच्चाई पता लगने वाली है कि किस प्रकार से जो झूठी 10 गारंटियां देकर के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।